जादुई वर्ग भाग दो कंप्लीट मैजिक स्क्वायर्स पार्ट टू। इस वीडियो में हम कैलेंडर में पूर्ण जादुई वर्गों यानी कंप्लीट मैजिक स्क्वायर्स के बारे में जानेंगे। एपी और फ्रूटी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कौन ज्यादा होशियार है। इस बीच तभी एपी कहता है, ये तय करने के लिए कि कौन ज्यादा होशियार है, चलो हम पहेली का खेल खेलते हैं। इस खेल में हम एक दूसरे से पहेली पूछेंगे और जो पहेली को हल कर लेगा वो जीत जाएगा। तो बोलो, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? इतना सुनकर तभी फ्रूटी कहता है, हाँ। फ्रूटी का जवाब सुनकर एपी बोला, अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो चलो खेल शुरू करते हैं। तो पहली पहेली है, इस कैलेंडर में एक तीसरे क्रम का वर्ग यानी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर है। उसके ऊपरी दाएं कोने की संख्या यानी टॉप राइट कॉर्नर नंबर 15 है। क्या तुम संख्याओं को एक वर्गाकार व्यवस्था यानी स्क्वायर अरेंजमेंट में पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज कर सकते हो? और एक पूर्ण जादुई वर्ग यानी कंप्लीट मैजिक स्क्वायर बना सकते हो? प्यारे बच्चों, फ्रूटी की तरह क्या आप भी अपनी होशियारी का परीक्षण करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और पहेली को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद तभी फ्रूटी सोच विचार कर बोलता है, वर्ग के ऊपरी दाएं कोने की संख्या 15 है और वर्ग तीसरे क्रम का है, इसलिए वर्ग ये है। हाँ, मैं इस वर्गाकार व्यवस्था में संख्याओं को पुनर्व्यवस्थित करके एक पूर्ण जादुई वर्ग बना सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। इस वर्ग में पहली पंक्ति यानी रो में 7 जोड़ने पर मुझे संख्याओं वाली दूसरी पंक्ति मिलती है। पहली पंक्ति में 14 जोड़ने पर मुझे अंतिम पंक्ति मिलती है। इसी तरह पहली पंक्ति में 0 जोड़ने पर मुझे पहली पंक्ति मिलती है, इसलिए यहाँ 13, 14 और 15 बुनियादी संख्याएं यानी बेसिक नंबर्स हैं और 0, 7 और 14 मूल संख्याएं यानी रूट नंबर्स हैं। अब मैं 13, 14 और 15 का प्रयोग करके एक लैटिन वर्ग बनाऊंगा। लैटिन वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें प्रत्येक पंक्ति यानी रो या स्तंभ यानी कॉलम में समान संख्याओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक पंक्ति या स्तंभ में एक संख्या दोहराई नहीं जाती है। एक संख्या एक विकर्ण यानी डायगोनल के अनुदिश एक से अधिक बार दोहराई जा सकती है। इसके साथ ही यह ध्यान देने योग्य है कि लैटिन वर्ग में सभी पंक्तियों के योग और सभी स्तंभों के योग बराबर होते हैं। अब मैं इसी तरह 0, 7 और 14 का प्रयोग करके एक और लैटिन वर्ग बनाऊंगा। इसमें 0, 7 और 14 का क्रम विकर्ण के अनुदिश दाएं ऊपर से बाएं नीचे राइट टॉप टू दी लेफ्ट बॉटम तक है। इसके बाद मैं इन दोनों वर्गों के प्रकोष्ठ में प्रकोष्ठ यानी सेल टू सेल जोड़ूंगा और इस प्रकार समग्र वर्ग यानी कंपोजिट स्क्वायर प्राप्त करूंगा। इस वर्ग में सभी पंक्तियों, स्तंभों और विकर्णों का योग बराबर है,
इसलिए ये एक पूर्ण जादुई वर्ग है और तुम देख सकते हो कि तुम्हारे द्वारा दिए गए वर्गों में संख्याओं को एक जादुई वर्ग में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। रुको, अब मैं तुम्हें इस वर्ग में एक और जादू दिखाता हूँ। इसके लिए मैं प्रत्येक प्रकोष्ठ में संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ द नंबर इस प्रकार लिखूंगा। इस वर्ग में अंतिम पंक्तियों के योग और अंतिम स्तंभों के योग बराबर होते हैं, इसलिए ये एक नए तरह का अपूर्ण जादुई वर्ग है। ये संख्याओं को ज्ञात करने की पहेली को हल करता है, जिसे दो अलग अलग तरीकों से तीन वर्गों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलो अब मैं तुम्हें जादुई वर्ग बनाने की एक आसान ट्रिक बताता हूँ। इस वर्ग को ध्यान से देखो। मैं इस तरह के विकर्ण प्रकोष्ठ यानी डायगनल सेल को मध्य स्तंभ प्रकोष्ठ यानी मिडिल कॉलम सेल और मध्य पंक्ति प्रकोष्ठ यानी मिडिल रो सेल में ले जाऊंगा। फिर मैं इस तरह से विपरीत क्रम में मध्य स्तंभ प्रकोष्ठ और मध्य पंक्ति प्रकोष्ठ को विकर्ण प्रकोष्ठ में ले जाऊंगा और बस इस तरह से हम एक जादुई वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुनकर तभी एपी कहता है, अरे वाह फ्रूटी, तुम तो शानदार हो। चलो अब पहेली पूछने की बारी तुम्हारी है। इतना सुनकर तभी फ्रूटी कहता है, तो पहेली ये है कि मैं इस कैलेंडर में चौथे क्रम का अपूर्ण जादुई वर्ग यानी फोर्थ ऑर्डर इनकम्प्लीट मैजिक स्क्वायर हूँ, जिसकी ऊपरी बाएं कोने की संख्या 2 है। क्या तुम मुझे एक वर्ग व्यवस्था में संख्याओं को पुनर्व्यवस्थित करके एक पूर्ण जादुई वर्ग बना सकते हो? इतना सुनकर तभी एपी सोचने लगता है और कुछ सोच विचार कर बोलता है, वर्ग में ऊपरी बाएं कोने की संख्या 2 है और वर्ग चौथे क्रम का है, इसलिए ये वर्ग है। मैं इसे एक पूर्ण जादुई वर्ग बिल्कुल बना सकता हूँ। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर ये सभी बुनियादी संख्याएं हैं और ये सभी मूल संख्याएं हैं। अब मैं इस प्रकार बुनियादी संख्याओं का उपयोग करके एक लैटिन वर्ग बनाऊंगा। जब मैं इस लैटिन वर्ग को दूसरे क्रम के 4 वर्गों में विभाजित करता हूँ, तो मुझे ऐसे वर्ग मिलते हैं जिनमें प्रत्येक वर्ग का विकर्ण योग समान होता है। यहाँ पर तुम ये भी ध्यान दो कि इसे प्राप्त करने के लिए मैंने 2, 3, 4 और 5 में से संख्याओं का चयन करते समय संख्याओं के समान स्थानन यानी इक्वल प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स का उपयोग किया है। देखो, यहाँ पहला और तीसरा वर्ग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर रिफ्लेक्शंस हैं। इसी तरह दूसरा और चौथा वर्ग भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। तीसरा वर्ग पहले वर्ग के नीचे है और चौथा वर्ग दूसरे वर्ग के नीचे है। इसी प्रकार अब मैं मूल संख्याओं का उपयोग करके 4 छोटे लैटिन वर्ग बनाऊंगा। ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ मैंने 0,
7, 14 और 21 में से संख्याओं का चयन करते समय संख्याओं के समान स्थानन का उपयोग किया है। इन वर्गों में पंक्तियों के योग और स्तंभों के योग समान हैं, जबकि विकर्णों के योग समान नहीं हैं। यहाँ पर याद रखो कि पहले लैटिन वर्ग में छोटा वर्ग और उसका प्रतिबिंब एक के नीचे एक स्थित होते हैं। तो यहाँ मैं इन वर्गों को इस प्रकार विकर्णों के अनुदिश स्थापित करूँगा। अब मैं दोनों लैटिन वर्गों के प्रकोष्ठ से प्रकोष्ठ को जोड़ने का कार्य करूँगा और इस प्रकार समग्र वर्ग प्राप्त करूँगा। इस वर्ग में सभी पंक्तियों, स्तंभों और विकर्णों का योग बराबर है। इस तरह यह एक पूर्ण जादुई वर्ग है और तुम देख सकते हो कि तुम्हारे द्वारा दिए गए वर्ग में संख्याओं को एक जादुई वर्ग बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया गया है। चलो अब मैं तुम्हारी तरह ही इस जादुई वर्ग को आसान बनाने का तरीका साझा करता हूँ। इस जादुई वर्ग को ध्यान से देखो। मैं इस प्रकार प्रत्येक विकर्ण में समान रूप से रखी गई संख्याओं यानी इक्वली प्लेस्ड नंबर्स का परस्पर विनिमय यानी इंटरचेंज करूँगा। इस तरह मुझे एक और जादुई वर्ग मिलता है। अब मैं तुम्हें इस वर्ग में एक और जादू दिखाता हूँ। इसके लिए मैं इस प्रकार प्रत्येक प्रकोष्ठ में संख्या का वर्ग लिखूंगा। इस वर्ग में अंतिम पंक्तियों का योग और अंतिम स्तंभों का योग बराबर है। इसी तरह दूसरी और तीसरी पंक्तियों के योग और दूसरे और तीसरे स्तंभों के योग भी बराबर हैं। तो ये एक अपूर्ण जादुई वर्ग है जो संख्याओं को ज्ञात करने की पहेली को हल करता है, जिसे दो अलग अलग तरीकों से चार वर्गों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जादुई वर्ग बनाने के और भी कई तरीके हैं। इस वर्ग में मैं 3 और 25, 4 और 24, 9 और 19 और 16 और 12 के स्थान को इस प्रकार बदल सकता हूँ। देखो मुझे एक और जादुई वर्ग मिला है। अब मैं इस प्रकार मध्य स्तंभों को भी आपस में बदल सकता हूँ। देखो ये भी एक जादुई वर्ग है। चलो मैं तुम्हें इस वर्ग में एक और जादू दिखाता हूँ। इसके लिए मैं इस प्रकार एक मध्य बिंदु वर्ग यानी मिड पॉइंट स्क्वायर बनाऊंगा। अब मैं मध्य वर्ग की विपरीत भुजाओं यानी ऑपोजिट साइड्स की संख्याओं को जोड़ूंगा। देखो इनका योग बराबर है। इस प्रकार इन संख्याओं के वर्गों का योग और घनों यानी क्यूब्स का योग भी बराबर है। तो देखा तुमने ये कितना दिलचस्प था? ना सुनकर तभी फ्रूटी कहता है, हाँ आपी तुम वाकई बहुत जीनियस हो। धन्यवाद, जवाब में आपी ने कहा। फ्रूटी, हम दोनों ने पहेलियों को हल कर लिया है। इसका मतलब है कि हम दोनों रूप से समान होशियार हैं, है ना? तो चलो इस बहस को यहीं खत्म करते हैं और खेल खेलते हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप कैलेंडर में पूर्ण जादुई वर्गों के बारे में समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
जल्द ही वापस मिलते हैं।